एक कटोरी रवा लेंगे हम, एक छोटी कटोरी बेसन और एक नींबू का जूस डालेंगे। नींबू का जूस है, हमने एक नींबू का जूस निकाल लिया। अब इसमें हम डालेंगे पानी और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक और चीनी एक टेबल स्पून। एक घंटे दो हमने मीडियम आकार के आलू लिए छील के, अभी हम इसे किस लेंगे इस तरह आधा आधा हम कर लेंगे, डिवाइड कर लिया हमने आधा आधा। अभी हम इसमें आलू का किस डालेंगे, अभी तेल डालेंगे 2 टेबल स्पून और इसमें हम इनो डालेंगे हाफ, थोड़ा पानी डालेंगे इनो सॉल्ट पर। अभी तुरंत हम प्लेट में डाल देंगे, प्लेट में आपने नीचे लगाना है, ग्रीस कर देना तेल से। अब हम इसे पानी के गर्म पानी में हमने डाल, अभी इसके ऊपर हम चटनी स्प्रेड करेंगे लहसुन और चटनी लहसुन की, जैसे हम स्प्रेड करेंगे। इसके ऊपर से हम लाल मिर्ची स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ढोकला कितना अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। आप भी बनाएं और मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम वगार करेंगे राई और तेल से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ढोकला बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी बनाएं, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।